बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशन बेसिक्स डॉट पी के। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द प्रीवियस लेक्चर। आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट दोज हु हैवंट येट वॉच्ड or does not know what is the difference between a system software and application software can watch it at ताकि उनको जो है वो पता चल जाए कि system software और application software में क्या difference होते हैं और operating system जो है वो क्यों system software के अंदर आता है। So moving on to operating system, an operating system is a software which acts as an interface between the end user and the computer hardware. The operating system helps you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. We have already discussed many times that computer can only understand 0 and 1, means the machine language. Computer machine language ke alawa koi aur language jo hai wo understand nahi kar sakta. Aapki jo human language hai wo understand nahi kar sakta. Uske alawa aapki jitni bhi high level languages hain, C++, Java, Python, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, असेंबली लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज मीन 0 और 1 अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये अलाउ करता है कि आप 0-1 मीन जो मशीन लैंग्वेज है उसकी नो हाउ ना होते हुए भी अपने कंप्यूटर को इजीली और एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। नंबर सेकंड, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, कि वो एक इंटरफेस ही है बेसिकली जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकें, उसको यूज कर सकें, उससे इंटरेक्ट कर सकें। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि आपका हार्डवेयर है सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, फिर इस तरह आपकी जितनी भी जितना भी आपके कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा, वो सारा का सारा आपके हार्डवेयर में आता है। उस हार्डवेयर को यूज करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करने के लिए आपको आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चाहिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो फेमस है आपके पास वो विंडोज आ जाएगा, जो हम मोस्टली यूज करते हैं पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में। उसके अलावा एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल के जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, उसके अंदर यूज होता है। उसके अलावा लिनक्स, यूनिक्स वगैरह काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। और उसके बाद जो है आप एंड यूजर है, यानी कि आपने अपने हार्डवेयर, बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इतना लेना देना नहीं है, हमारा काम सिर्फ अपने हार्डवेयर के साथ होता है। आप जब भी कोई स्मार्टफोन बाय करते हैं, कोई कंप्यूटर बाय करते हैं, तो आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, आप उसके हार्डवेयर के स्पेक्स जो है वो देखते हैं, ठीक है, कि हार्डवेयर के स्पेक्स कितने हैं, इसमें रैम कितनी है, इसका प्रोसेसर कितना है, कौन सी जनरेशन का है, माउस, कीबोर्ड वगैरह जो है आपने कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, ये लगाना है नहीं लगाना, ठीक है। तो आपका जो भी है वो आपका हार्डवेयर से रिलेटेड होता है। अब आपने उस हार्डवेयर को यूज करना है, उससे जो है अपने जो भी टास्क वगैरह है आपके, आपने उसे वो परफॉर्म करने हैं, ठीक है, उन हार्डवेयर के थ्रू। तो उसके लिए आपको जो एक बेसिकली आप समझ लें कि ट्रांसलेटर चाहिए, एक बंदा, एक कम्युनिकेटर चाहिए जो आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं उनको हार्डवेयर को पहुंचाए और हार्डवेयर से फिर जो आउटपुट वगैरह वो फिर आपको डिलीवर करे। तो वो जो एक इंटरफेस है बिटवीन इन बिटवीन यू एंड योर कंप्यूटर हार्डवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। Why use an operating system? Operating system हम क्यों use करते हैं? We have already discussed in the previous lecture in system software and application software that system software is necessary. You cannot use your computer without a system software. So let's see why to use an operating system. Why is it necessary or what is the importance of operating system? An operating system brings powerful benefits to the computer software and software development. Every computer must have at least one operating system to run other programs. An application like Chrome, MS Word, games, etc. needs some environment in which it will run and perform its task. ये भी हम previous lecture में discuss कर चुके हैं कि आपकी जितनी भी application software हैं उनको system software चाहिए होता है run होने के लिए। उनको एक environment चाहिए, वो environment उनको system software यानी कि operating system ने provide करना है जिस environment के अंदर वो रन कर सकें और आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज कर सकें और आपका जो भी स्पेसिफिक टास्क आप उससे परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो आपको वो टास्क परफॉर्म करके दे। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम एवरी एप्लीकेशन वुड नीड टू इंक्लूड इट्स ओन यूआई मींस यूजर इंटरफेस एज वेल एज द कॉम्प्रिहेंसिव कोड नीडेड टू हैंडल ऑल लो लेवल फंक्शनैलिटी ऑफ द अंडरलाइंग कंप्यूटर सच एज
डिस्क स्टोरेज, नेटवर्क इंटरफेसेस एंड सो ऑन। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हमने टास्क बताया था, एक तो वो आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, नंबर सेकंड के वो आपके हार्डवेयर सोर्सेज को मैनेज कर रहा है या आपकी जो भी कम्युनिकेशन है उसको वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है। तो अगर ये सारे टास्क नहीं होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी आपको उस एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीजें भी कोड करनी पड़ेंगी कि वो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करे, वो जो है आपकी इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करे, ठीक है, उसके अंदर ये सारा कुछ भी आपको करवाना पड़ेगा। तो उससे उसका एक तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और एफिशिएंसी उसकी कम हो सकती है, बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है ये ऑप्शन। तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं जो आपके बाकी सारे टास्क कर रहे होते हैं और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क जो है उसको फुलफिल करता है। Considering the vast array of underlying hardware available, this would vastly bloat the size of every application and make software development impractical. ये हम already discuss कर चुके हैं। Instead, many common tasks such as sending a network packet or displaying text on a standard output device such as a display can be offloaded to system software that serves as an intermediary between the applications and the hardware. तो इसके लिए हम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं कि हमने जितना भी नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड, यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड, यूजर इंटरफेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हम वो सारी की सारी चीजें जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए डिजाइन कर लेते हैं और बाकी जो स्पेसिफिक टास्क हैं उसके लिए हम अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसको डिजाइन करते हैं। The system software provides a consistent and repeatable way for applications to interact with the hardware without the applications needing to know any details about the hardware. Let's see some major tasks or operations performed by operating system. Program execution, memory management, handling input-output operations, manipulation of the file system, error detection and handling, and resource allocation. These are some of the major operations, some of the major tasks, basic tasks that an operating system performs. ये एक डायग्राम है, इस फ्लो चार्ट में भी आपको नजर आ रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रिटेशन, सिक्योरिटी, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, जॉब अकाउंटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। उसके बाद ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो अभी हमने डिस्कस किए इन्हीं को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर वन, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट एंड डिलीट प्रोसेसेस। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग प्रोसेसेस। प्रोसेस, अ प्रोसेस इज एनी टास्क दैट इज बींग रन बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर जो चीज रन कर रहा है, जो टास्क इस वक्त रन कर रहा है किसी भी टाइम पे, वो उसका एक प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है कि आपके मल्टीपल टास्क होते हैं, आपकी उसमें विंडोज जो आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बैकएंड टास्क चल रहे होंगे, आप जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे टास्क जो हैं वो एट अ टाइम परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो उन सबको मैनेज करना, कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा, कौन सा टास्क बाद में परफॉर्म होगा, कम्प्लीटली जो है उसको रन करना है या पार्शल रन करना है, टाइम एलोकेशन है कि एक प्रोसेस जो है वो लेट सपोज 2 नैनोसेकंड रन होगा, फिर नेक्स्ट 2 नैनोसेकंड, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इस तरह से जो है अपने टास्क परफॉर्म करता है। और ये सारा का सारा उसको मैनेज कौन कर रहा होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। आफ्टर दैट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम्स इन नीड ऑफ दिस रिसोर्सेज। We have already discussed about RAM and cache memory. जब भी आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसकी जो भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपकी रैम या कैश मेमोरी के ऊपर चली जाती हैं, लोड हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से जब लेट से कि आपकी रैम या कैश मेमोरी जो है वो फिल अप हो गई है और अब उसको डी एलोकेट करना है, यानी कि अब न्यू टास्क के लिए जगह नहीं है, तो वहां से कौन सी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको रिमूव करके उन न्यू इंस्ट्रक्शंस को प्लेस करना है, ये सारी मैनेजमेंट भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए परफॉर्म करता है। आफ्टर दैट, फाइल मैनेजमेंट। इट मैनेजेस ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। आप जो भी फाइल्स क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, फोल्डर्स क्रिएट करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर या अपने स्मार्टफोन वगैरह कोई भी डिवाइस है, तो उसकी नेमिंग, उसकी स्टोरेज लोकेशन क्या होगी,
उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीजें भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके लिए हैंडल करता है। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट कीप्स ट्रैक्स ऑफ ऑल द डिवाइसेस। द मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। इट ऑल्सो परफॉर्म्स द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द डिवाइसेस। आपके कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर्स, माइक, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, जितनी भी डिवाइसेस हैं, उन सबको मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कौन से रिसोर्स को कब जो है सिग्नल पास आउट करना है कि वो कम्युनिकेट कर सके आपके प्रोसेसर के साथ, कब इनपुट लेना है, कब आउटपुट लेना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मैनेज करता है। आफ्टर दैट इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू हाइड द पिक्युलियरिटीज ऑफ दैट हार्डवेयर डिवाइसेस फ्रॉम द यूजर। मीन के उसकी जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं उसको सिस्टम जो यूज़र है उससे हाइड कर दे, उसके जो डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह हैं, उसके जो कोडिंग है, वो किस तरह से डिवाइस डिज़ाइन हुई है, वो किस तरह से वर्क परफॉर्म करती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़र को जो है वो अंडरस्टैंड करना जो है वो लाजमी नहीं होता, ये सारी चीज़ें भी उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम खुद हैंडल करता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सिस्टम्स हैव सेवरल लेवल्स ऑफ स्टोरेज विच इंक्लूड्स प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज एंड कैश स्टोरेज। Instructions and data must be stored in primary storage or cache so that a running program can reference it. ये भी हम already discuss कर चुके हैं और इसमें आपकी secondary storage means जो आपकी hard disk वगैरह हैं जो file management के अंदर आ जाता है वो सारा कुछ भी manage करता है। Let's take a quick review of what we have discussed today. We have discussed about operating system, that operating system is an interface between a user and hardware. You can see in the above diagram that operating system is in between, is the medium that allows the end user to use the hardware. After that, there are many tasks that are performed by the operating system. You can see it in the diagram below. Or in the second diagram, why use an operating system? Because operating system basically allows you to communicate, to interact with your hardware, and also to allow application software to run smoothly. It provides an environment to the application software to run smoothly. If there is no operating system, then you will have to include all the management, all the resource management, resource allocation, memory management, everything in your application program code. That is not feasible. And we have also seen major tasks and operations performed by operating system, which you can see in the second diagram. So that was today's lecture. If you have any queries, any questions, any suggestions, contact me on my email ID and Facebook account mentioned in the description. Thank you.